राजस्थान के अपराध की दुनिया में आज एक बार फिर से एक कुख्यात गैंगस्टर की पुलिस की कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले की जो वीडियो हमने बनाई उस गैंगस्टर के बारे में हमने जिक्र किया कि किस तरह से उसकी आज पुलिस कस्टडी में, पुलिस की आंखों में पहले बदमाशों ने मिर्चें झोंकी और फिर उस गैंगस्टर को सरेआम 8 से 10 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो जिस गैंगस्टर को मारा गया है आज गैंग वॉर में, कौन था वो गैंगस्टर, इसके पीछे का उसका इतिहास क्या है और किस गैंग से उसकी अदावत चल रही थी, और राजस्थान के भरतपुर, जयपुर या फिर बीकानेर को लेकर जिस तरह से इस गैंगस्टर के बारे में तरह तरह के बातें कही जा रही हैं, इन सब बातों का जिक्र करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान के अंदर इस तरह से अभी हाल ही फिलहाल में देखने को मिला है कि चाहे राजू ठेठ हो या फिर और संदीप सेठी जिसकी हत्या नागौर के कोर्ट में हुई थी, तो इन सब बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन जो गैंगस्टर आज मारा गया है कुलदीप जगीना, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे और किस गैंग से इसकी अदावत चल रही थी, तो इन सब बातों को बहुत ही विस्तार से बताएंगे आपसे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर लगातार आप लोग DM करके पूछ रहे हैं कि पहले हम गैंगस्टर की कहानियां सुनाया करते थे, आजकल पिछले कुछ दिनों से हम गैंगस्टरों की कहानियां नहीं सुना के बल्कि और कई सारी कहानियों को सुना रहे हैं और कई सारी खबरों को सुना रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि हमें वापस से गैंगस्टरों की कहानियां सुनानी चाहिए। तो आपसे बता दें कि सबसे पहले तो समय का अभाव जो है वो एक बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और एक TV चैनल के लिए मैं पत्रकारिता करता हूँ, और समय चूँकि आजकल देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं तो समय बहुत कम मिलता है। लेकिन आप लोगों की बात मानते हुए एक बार फिर से गैंगस्टरों की दुनिया में हम वापस आ चुके हैं, यानी कि गैंगस्टरों की जो कहानियाँ सुनाते हैं, खबरें सुनाते हैं, एक बार फिर से पटरी पर आ चुके हैं और आपसे आज शुरुआत जो कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर कुलदीप जगीना से, जिसकी हत्या आज की गई, सरेआम हत्या की गई। और गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या की कहानी को सुनकर आपको यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जिस तरह से हत्या हुई थी वो मंजर याद आएगा। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसी गैंगस्टर का नाम था कुलदीप जगीना, को पेशे से ही ये गैंगस्टर था और इसकी शुरुआत में ये बताई जा रही है कि ये राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था और आज इसे उस वक्त मारा गया जब राजस्थान के जयपुर से इसे भरतपुर के कोर्ट में पेशी के लिए एक बस से ले जाया जा रहा था और इसके साथ पुलिस की कई टीमें थी, कई जवान थे पुलिस के। लेकिन जो बदमाश इसे मारने के लिए आए थे उन बदमाशों ने सबसे पहले पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंका ताकि पुलिस वाले वहीं पर एक तरह से अंधे हो जाएं कुछ समय के लिए, जिससे कि बहुत ही आसानी से बदमाशों को गैंगस्टर कुलदीप जगीना को मारने में आसानी मिले और ओ कहीं ना कहीं उसे मारने में कामयाब भी हो गए। 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई कुलदीप जगीना के ऊपर और कुलदीप जगीना उसी बस में मारा गया। दरअसल कहा जा रहा है कि गैंगस्टर कुलदीप जगीना को जयपुर से भरतपुर जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो रास्ते में बीकानेर आगरा हाईवे पड़ता है और उस हाईवे पर एक टोल प्लाजा है जिसे अमोली टोल प्लाजा कहते हैं। जैसे ही पुलिस की बस वहां पर पहुंची, बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, पहले पुलिस की गाड़ी रुकवाते हैं और पुलिस की गाड़ी रुकवाकर वहां पर पहुंचते हैं, अंदर मिर्ची का पाउडर झोंकते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ठीक वैसे ही मारा जाता है जैसे नागौर कोर्ट में संदीप वैष्णोई उर्फ संदीप सेठी मारा गया था, यूपी का अतीक अहमद मारा गया था। दरअसल कुलदीप जगीना कौन था ये बहुत बड़ा सवाल है, किस गैंग से था ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बताएं कि कुलदीप जगीना का नाम 4 सितंबर 2022 को तब चर्चा में आया था जब एक BJP नेता कृपाल जगीना की हत्या हुई थी बेरहमी से, उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल की गई थी तो कुलदीप जगीना का नाम निकलकर सामने आया था। कुलदीप जगीना उस वक्त फरार था लेकिन बाद में इसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब ये अपने 4 और साथियों के साथ गोवा घूमने जा रहा था और तब से ये पुलिस की कस्टडी में था। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि और जेल से बैठकर ही ये कई तरह की वारदातों को लगातार अंजाम देना चाहता था। अब कुलदीप जगीना और कृपाल जगीना ये दोनों कौन है? तो दरअसल कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। वर्चस्व की लड़ाई कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए जिस तरह से जसराम गुर्जर और लादेन गुर्जर जो गैंगस्टर हैं पहाड़ी इलाके के राजस्थान के, तो इन दोनों के बीच में जैसे अदावत चलती है, जसराम गुर्जर जो बाद में पॉलिटिकल दुनिया में आया था BSP की टिकट से चुनाव लड़ने की उसने कोशिश की थी, बाद में विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन ने उसकी हत्या कर दी थी,
तो उसके चाहने वाले विक्रम गुर्जर को मारने के लिए आज भी जगह जगह गैंग वॉर करते हैं। और हमने देखा था अभी बहरोड के अस्पताल में जब विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को पुलिस वाले पेशी पर लेकर आए थे, तो वहाँ भी पपला गुर्जर गैंग के बदमाशों ने उसे मारने की पूरी तरह से कोशिश की थी, फायरिंग हुई थी, लेकिन वो बच गया था। तो ठीक उसी तरह से कृपाल जगीना जो बीजेपी के नेता थे, तो कहा जा रहा है कि वो भी उनके ऊपर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। मीडिया रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी जांच पड़ताल हो रही है, बहुत सारी बातें नई नई निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन शुरुआती दृष्टि में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी काली की बगीची की जमीन को लेकर। और इसी वजह से गैंगस्टर कुलदीप जगीना ने कृपाल जगीना जो बीजेपी के नेता थे उनकी हत्या करवाई थी। और कहा यह जा रहा है शुरुआती दृष्टि से कि कृपाल जगीना के जो समर्थक थे वो उसे मारने की लगातार कोशिश कर रहे थे, ताकि उसे जेल में भी मारने की कोशिश की जा रही थी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही मौका मिला, सबसे बढ़िया जो मौका होता है गैंगस्टरों के लिए वो कोर्ट में पेशी पर जब गैंगस्टर लाए जाते हैं, तब उनकी पूरी प्लानिंग होती है कि इसी वक्त अगर घटना को अंजाम दे दिया जाए तो शायद वो अपने इरादों में जो उनके मंसूबे होते हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। और आज भी वैसे ही देखने को मिला, वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। साफ तौर से जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आज गैंगस्टर कुलदीप जगीना को गोली मारकर उसकी हत्या की गई, ये राजस्थान की भरतपुर पुलिस पर बहुत बड़े सवाल तो खड़े करते ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तब उठता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे गुंडे बदमाशों को कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत करनी चाहिए, आखिर सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, और राज्य में शांति व्यवस्था इससे भंग हो सकती है। अगर आपको याद होगा जब एक और गैंगस्टर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, गुर्जर था कोई, देवा गुर्जर की जब हत्या की गई थी वो भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और आपको याद होगा देवा गुर्जर की हत्या के बाद किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे, आनंद पाल का जब पुलिस ने एनकाउंटर किया था तो उस समय भी किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे। अगर चुनाव से पहले इस तरह की वारदातें राजस्थान के अंदर होती हैं, तो क्या राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल के अंदर अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टरों की कार्रवाई की बात की जाती है, राजस्थान की पुलिस गैंगस्टरों पर इस वक्त, खासतौर से जब राजू टेहट की हत्या के बाद ये दावे किए गए कि गैंगस्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक बड़ी वारदातें उसके बाद भी जब निकल कर सामने आ रही हैं तो राजस्थान की पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। वैसे आपका क्या कहना है, गैंगस्टर कुलदीप जगीना को जिस तरह से मारा गया है, बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है, इसके चेहरे को देखिए, कहा जा रहा है कि मौके पर ही जब 8 से 10 गोलियां इसे मारी गई तो वहीं मौके पर इसकी मौत हो गई। और इसके जो चाहने वाले थे या फिर इसके जो विरोधी गैंग के बदमाश हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है, उनके खिलाफ अभी जांच पड़ताल चल रही है। जिस तरह से हमें दिल्ली में, राजस्थान में या फिर और जगहों पर देखने को मिलता है, गैंगस्टर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या करवा के सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाला पोस्ट डालते हैं, तो अभी यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और पूरा का पूरा शक कृपाल जगीना जो बीजेपी के नेता थे जिनकी हत्या कुलदीप जगीना ने करवाई थी, उनके समर्थक हो सकते हैं, ऐसा शक किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का स्टेटमेंट आना भी इस पूरे मामले में बाकी है। तो वैसे जैसे जैसे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, पुलिस का बयान निकल कर सामने आएगा, हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए